पढ़ दिओ यूहन्ना 16 दी अंजील पत्रस जी। पर जद ओ अर्थात सच्चाई दा आत्मा आवे तद ओ सारी सच्चाई विच तुहाडी अगवाई करेगा, क्यूजो ओ अपनी वल्लों ना कहेगा पर जो कुछ सुनेगा सो ही आखेगा। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा कदी भी अपने वल्लों नहीं बोलदा। अज एक ध्यान दिमाग दे विच बिठाओ गल नूं। पवित्र आत्मा जी कदी भी अपने वल्लों नहीं बोलदे। जो कुछ परमेश्वर ने बोलना पवित्र आत्मा जी ने सुनना फिर बाद विच बोलना बोलना। अपनी मर्जी ना पवित्र आत्मा जी कुछ भी नहीं बोल। देखो एक पवित्र रूह, पवित्र आत्मा का मतलब होंदा रूह, आत्मा का मतलब रूह ही आ, स्पिरिट गोस्ट रूह। पवित्र मतलब आ होलीनस, पवित्रता ही। इन्नी पाक रूह जिहड़ी परमेश्वर दे विचों निकल के साडे विच आउंदी आ ते साडी मदद करन लई आउंदी आ, फिर वो अपने कोलों नहीं कुछ भी बोल सकती। रूह कर रहा जां आत्मा कह लो अपने कोलों कुछ नहीं बोलता, ना मेल जां फीमेल, ये तुहाडे डिपेंड है तुसीं किस तरीके दा नाम उहदा बोलदे हो। पवित्र आत्मा अपने वालों कुछ नहीं बोलता। जो कुछ प्रभु येसु मसीह परमेश्वर ने कहना पवित्र आत्मा जी ने उही कुछ कहना। ये तुहाडी शिक्षा वा, जे मैं नहीं सिखाऊंगा तो किन्ने सिखाउणा तुहानूं। जे तुहाडा टीचर ना सिखाऊगा तो सिखाउणा किन्ने आ। मैं ये चाहना वा भी तुसीं ढोलकी दी तान ते रूह ना भर जाने। ढोलकी तो बिना भी रूह छूंदा वा। 120 चेले ते चेलियां बैठे तो ढोलकी वजदी सी, वजदी होनी आ, पर ओह कदे ना भर के रूह ना फिर कदे कदे नाल। फिर पत्रस एक जगह ते गया, कलाम चलदा पिया, पत्रस गया करनैलियस दे घरे दुआ बंदगी करन दे लई। पत्रस जी ने प्रचार शुरू किया, प्रचार करते करते लोकी कदे ना भर गए रूह विच। मेरी दबुरजी दी कलीसिया फेसबुक यूट्यूब फैमिली कलाम दे विच रूह ना भरनी चाहीदी आ। हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस, लोग पवित्र आत्मा ना भर गए। जदों पत्रस ने कलाम सुनाया तो मेरा ईमान आ जो भी कलाम तुहाडे जीवन दे विच आवे तुसीं खुदा दे रूह ना भर जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा जी ढोलकी नाल नहीं चलते, ढोल नाल नहीं चलते, वो परमेश्वर की आवाज नाल चलते ने, वो परमेश्वर की आवाज दे नाल चलते ने। आमीन। वो ढोलकियां नाल नहीं चलते, वो परमेश्वर की आवाज नाल चलते ने। ओ जीसस ओ जीसस 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 जीसस। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी साडी अगवाई करदे सच्चाई विच चलन दे, और उन्होंने प्रभु येसु मसीह दे हक विच गवाही देनी आ। किसी इंसान दे हक विच पवित्र आत्मा कदी भी गवाही नहीं दऊगा। उन्होंने सच्चाई दे नाल चलना है, सच्चाई नाल चलाउणा है। और पवित्र आत्मा जी दा काम की है, ढाडा परमेश्वर नाल मिलाप करवाउणा, ढाडा परमेश्वर दे नाल मिलाप करवाउणा, ढाडी संगति येसु मसीह दे नाल करवाउणी, ढाडी संगति परमेश्वर दे नाल करवाउणी। क्योंकि जिथे दो जां तीन मौजूद हुंदे ने पिता जी पुत्र जी पवित्र आत्मा जी उत्थे आ जाते ने। हालेलुया। तो येसु मसीह अपने पिता दे कोलों तुहाडे लई पवित्र आत्मा जी जदों भेजदे ने उह तुहाडी अगवाई करन दे लई भी तुसीं धरती ते चलना किस तरीके नाल। अज जिस तरह एक बंदे नूं एक औरत दी जरूरत आ ते एक औरत नूं एक बंदे दी जरूरत आ, इसे रीति नाल एक विश्वासी नूं पवित्र आत्मा दी जरूरत आ। पवित्र आत्मा जी तो बगैर तुसी नहीं चल सकते। हुण एक होर छोटी जी गल तुहानूं दसांगा, जिहड़ी तुसी गैर भाषा बोलदे आ इह वरदान आ। इह की आ? इक वरदान आ, गिफ्ट आ। इह पवित्र आत्मा नहीं आ, इह वरदान आ, गिफ्ट आ। पवित्र आत्मा की आ? पवित्र आत्मा तुहाडे विचों बुरियाई जदों खत्म हो जांदी आ, तुहाडे रिश्तेदार भैण भरा कहिंदे ने भी यार मेरे भरा ने नशा छड्डता, इह दुआ करन लग पिया, गालां छड्ड गया, इहदी जिंदगी बदल गई आ, इहनूं होया की आ, इहदा जीवन कितना चेंज हो गया, उत्थे समझो पवित्र आत्मा जी काम कर रहे उहदे जीवन च। आमीन। पवित्र आत्मा जी की कर रहे जीवन च काम कर रहे ने, पवित्र आत्मा जी अगवाई करनगे ते पवित्र आत्मा नूं कदी भी नाराज
नहीं करना। नाराज कदों होंदे ने पवित्र आत्मा जी, सुनो, जदों तुसी खुदा दे हुक्म तो बाहर आ, परमेश्वर दी कहने कार चो आज्ञा चो बाहर आ, ते पवित्र आत्मा जी की है साडे नाल नाराज है। पुराने नेम दी लिखा जी शायद वो लोग कहते आत्मा नू अका दिता, मैं लोगों ने की किया पवित्र आत्मा नू अका दिता, ते अज असी भी आत्मा नू अका दिने आ जो आवाज नहीं सुनते, जो आवाज नहीं सुनते दे। देखो तुहानू दुआ करनी नहीं आउंदी ना, ते पवित्र आत्मा जी ढाडे लई सिफारिश करदे आ होके भर भर के, किदां अकर्थ होके भर भर के ढाडे नूं की करदे आ, दवावां बेनतियां प्रार्थनावां सिफारिशां करदे आ, ढाडे लई बेनती करदे। कई वारी ना गलती बंदा कर देवे ते घर वाली कहिंदी हुंदी चलो जी जान दिओ मेरे घर वाले तों की हो गई आ, गलती हो गई। पवित्र आत्मा जी देखो साडे लई सिफारशां करते हैं, साडियां गलतियां ते भी पड़दे पाउण दी कोशिश करते हैं। प्रभु जी ऐतकी मौका दे दिओ, इहनूं एक वारी दे दिओ, चांस दे दिओ, एक वारी माफ कर दिओ। देखो किन्नी साडी सहायता करते हैं। जिस तरह एक बंदा एक औरत मन के उधरों सिंपल तरीके ना समझाऊंगा, जिस तरीके ना मैं अपनी वाइफ तो बिना नहीं चलता, सेवकाई च मेरा साथ दिंदी आ, हरेक काम च मेरा साथ दिंदी आ, मैनूं चलाउंदी भी आ। कई वारी जोलदे पापा इत्थों इदां करना, आपां चर्च च इदां नहीं इदां करनी, आपां कलीसिया नाल इदां चलना, कलीसिया नूं आह चीज़ दसनी आह चीज़ करनी, मेरी अगवाई करदी आ शरीरक तरीके नाल, क्योंकि मैनूं हैल्पर दित्ती आ प्रभु ने, जिदां आदम नूं हैल्पर दित्ती आ। ते पवित्र आत्मा जी भी तुहानूं परमेश्वर ने इसे लई दित्ते आ भी तुसीं खुदा दे काम किस तरीके नाल करने आ। हालेलुया, समझ आई है कि नहीं आई? जिस तरह तुहानू शरीरक तरीके से एक पत्नी अगवाई करती है, घर में घर नूं सांभदी है जां नहीं सांभदी, चलाउंदी है घर दे देखभाल इंतजाम करने, इसे तरह पवित्र आत्मा जी जदों तुहाडे बदन च आ जांदे ने, तुहाडे बदन नूं की करदे ने, कंट्रोल करदे ने, चलाउंदे ने, इहनूं किहड़ी चीज़ की लोड़ आ, किहड़ी चीज़ चाहीदी आ, फिर पवित्र आत्मा जी पिता दे कोलों चीज़ नूं लै के आउंदे ने तुहाडे लई वी तुहाडे बदन च किहड़ी चीज़ किहड़े समें ते चाहीदी आ। तारीफ करो यीशु मसीह लई, हालेलुया। ते प्रभु जी का धन्यवाद आ। टॉपिक ते आउंदे आ, जिस तरह अपने मापियां ते चली जावे, मैनू घर चो कोई चीज़ नहीं लभनी, मेरियां जराबां कित्थे आ, मेरे कपड़े कित्थे आ, मेरा कित्थे, मेरा उह समान कित्थे आ, क्योंकि सब कुछ टेक केयर ते करदी आ, सारा चीज़ इहनूं पता, मेरे खाण पीण दा इहनां नूं पता। जदों इह चली जाऊगी मेरी जिंदगी अधूरी हो जाणी आ, एदां ही जे पवित्र आत्मा चला जावे जिंदगी अधूरी हो जाती है, जे जिंदगी चो पवित्र आत्मा चला जावे जिंदगी अधूरी। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा जिंदगी च आ जावे शिंदा साहब, जिंदगी की हो जाती है, पूरी हो जाती है, फिर छोटिया छोटिया गवाइया भी आ जाए। जो पवित्र आत्मा जी जिंदगी च आ जाए, जो पवित्र आत्मा जी जिंदगी च आ जाए, फिर जीवन च की बनती है, जीवन च फिर की बनती है, ते अज ताडे जीवन च गवाइया बनणगियां। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।